डिंडोली खरवासा खाते आवेल वंडर प्राइम सिनेमा खाते एक मराठी फिल्मनो ग्रांड प्रीमियर शो योजायो हतो, जेमा प्रोडक्शन टीम साथे फिल्मना कलाकारों पण उपस्थित रह्या हता। सूरत शहेरना डिंडोली खरवासा खाते आवेल वंडर प्राइम सिनेमा खाते मराठी फिल्म विजयी भवनु ग्रांड प्रीमियर योजायो हतो। आ कार्यक्रम में फिल्मना डायरेक्टर शैलेश पटेल अने अतुल सोनार साथे फिल्मना मुख्य कलाकार जगदीश चौहान अने पूजा जयसवाल सहितनाओ उपस्थित रह्या हता। फिल्मनो शूटिंग महाराष्ट्र अने गुजरातना लोकेशन उपर करवामां आव्युं छे अने सपरिवार जोई शकाय तेवी फिल्म बनावी होवानी विगत डायरेक्टर द्वारा जणावामां आवी छे। कैमरामैन हकीम शेख साथे वसीम हाजमीनो रिपोर्ट, आज़ाद न्यूज, सूरत। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शैलेश पटेल, विजय फिल्म का डायरेक्टर, और मेरे साथ ही मेरे पार्टनर डायरेक्टर अतुल सोनार, ये फिल्म के प्रोड्यूसर है कीर्तन भाई जीव पटेल, और हमारे साथ ही जगदीश चौहान जो इंडियन आइडल फर्स्ट रनअप है, जगदीश चौहान जो लीड रोल कर रहा है, और हमारे साथ है पूजा जयसवाल जो फिल्म की हीरोइन है। ये सब हमारा आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन है। आज कौन सा विस्तार में क्या रखा गया? सॉरी, आज कौन सा विस्तार में क्या प्रोग्राम रखा गया? अच्छा, आज गुजरात के सूरत के अंदर हमारा प्रीमियर, फर्स्ट प्रीमियर शो है, और कल हमारा थाने में सेकंड प्रीमियर शो है। फिल्म के अंदर क्या है और कितने टाइम में पूरी हुई थी? हमारा पूरा वन मंथ का शेड्यूल था, और फिल्म के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल है, एक राजकारण के बीच एक खेल है और प्यार है। और इसके प्रोग्राम के लिए जो मूवी बनाई है उसके अंदर किस तरह से कहाँ कहाँ शूटिंग की गई? बहुत सारे महाराष्ट्र, नासिक, पुणे और गुजरात के अंदर शूट हुआ है। क्या लगता है आपको ये फिल्म को लेकर दर्शक कैसे? दर्शक को बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्म अभी आजकल आती है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं, लेकिन पहली यह फिल्म अभी आई है कि अपने माँ बाप के साथ, बच्चों, फैमिली के साथ देखे। फिल्म मराठी समाज के लिए बनाई गई, क्या संदेश देना चाहते? अच्छा, गुड क्वेश्चन है। गुजरात में गुजरात का डायरेक्टर और गुजरात का प्रोड्यूसर जब मराठी फिल्म बनाए, क्योंकि मराठी में कंटेंट बहुत अच्छा चलता है, मराठी के लिए हमको प्यार है, इसलिए मराठी फिल्म हमने बनाई। क्या लगता है फिल्म को लेकर? फिल्म अच्छी चलेगी, और आई होप सभी दर्शक देखेंगे, बाद में पता चलेगा। हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो बोलेंगे अच्छी है, लेकिन जब ऑडियंस बोले कि फिल्म पावरफुल है और ये बेटियों के बीच की कहानी है जो वुमन ओरिएंटल फिल्म है, इसलिए आजकल बेटी और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, वो मेसेबल फिल्म है हमारी। सर, आपने अब तक कितनी फिल्म बनाई है? हमने 5-6 फिल्म बनाई है अब तक, गुजराती, मराठी सब मिला। हाँ, अभी 100 सिनेमा ऑल महाराष्ट्र एंड गुजरात में सिनेमा में रिलीज़ होने वाले। सूरत की जनता को क्या बोलोगे? सूरत की जनता को यही बोले कि फर्स्ट टाइम गुजराती प्रोड्यूसर और गुजराती डायरेक्टर ने जो फिल्म बनाई है, मराठी फिल्म, तो एक बार जो मराठी समाज है उनके लिए एक मैसेज है कि सूरत में रिलीज़ हो रही है, तो सूरत के सिनेमा घर में जाए और देखे। अभी नेक्स्ट सवाल हम अपने हीरो से भी पूछ सकते हो। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम जगदीश विजय चौहान, मैं इंडियन आइडल मराठी का उपविजेता, और ये विजय भव फिल्म का मेन लीड। आज जो मूवी हो रही है कहाँ पे, क्या प्रोग्राम? मूवी आज फर्स्ट प्रीमियर है हमारे मराठी फिल्म का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गुजरात में। मेरे को ज़्यादा खुशी है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन गुजरात में हमारा फर्स्ट प्रीमियर हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि ये नारी शक्ति पर हमारा फिल्म है, बहुत इसमें प्यार भी है, एक माँ बेटे का, सॉरी, बाप बेटे का इसमें रिश्ता है, और बाप बेटी के लिए क्या कर सकते हैं, बेटी बाप के लिए क्या कर सकती है, इसमें फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का कोई फेवरेट डायलॉग हो तो बताइए। मेरा डायलॉग तो वो तो अलग ही है कि वाघ, सॉरी एक मिनट, मराठी में बोलूँगा, सॉरी मैं भूल गया अभी, बहुत हाँ चलो मैं अभी याद आया। अरे गाँव असो कि शहर, वाघा वाघच असतो। हाँ, अगर गाँव रहे या शहर रहे, लेकिन शहर तो शहर ही होता है। क्या आशा रखते हो इस फिल्म से? बहुत आशा रखता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की है सबने, बहुत कष्ट किए इसके पीछे, और भगवान की कृपा हो जाए, बहुत अच्छी चले, बस यही आशा है। मराठी समाज की फिल्म में मराठी समाज वासियों को क्या बोलना चाहते हो? अभी ये मराठी में बोलता हूँ, क्योंकि नमस्कार, मी जगदीश चव्हाण, तुम्ही सगळेजण आमची फिल्म बघा, कारण खूप आनंद वाटेल आम्हाला पण, कारण महाराष्ट्राची फिल्म आहे विजयी भव, आम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत केलेली आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे काम केले सगळ्यांनी, आणि एक फॅमिली सोबत बघण्यासारखा चित्रपट आहे, सगळ्यांनी बघा, खूप आनंद वाटेल।
सबसे पहले तो हाय हेलो नमस्कार सूरत के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है पूजा जायसवाल, हमारी फिल्म आ रही है विजयी भवा और मैं इस फिल्म में हीरोइन हूँ। कामिनी सरदेसाई मेरे कैरेक्टर का नाम है। इसके पहले मैंने 5 मराठी फिल्में की है और अभी आपने पूछा तो बता देती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने 5 फिल्में की है पर फर्स्ट टाइम मैं गुजरात में प्रीमियर करने आई हूँ और शूटिंग भी शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम मराठी फिल्म की गुजरात में की है और प्रीमियर भी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है सूरत में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। गुजरात में आपने जो फिल्म की शूटिंग की है उसका आपका थोड़ा सा अनुभव बताइए। पिक्चर का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में हुआ है, काफ़ी हिस्सा हम लोगों ने धामण इस गांव में शूट किया है और और बहुत मज़ा आया फिल्म शूट करने में। पहली बार मैं गुजराती डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रही हूँ तो पहले मुझे लगा था कि अरे मैं हम लोग का ट्यूनिंग होगा या नहीं, बट एट द एंड डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, उसका काम होता है आर्टिस्ट से काम निकाल के लेना। तो हमारे दोनों डायरेक्टर बहुत जय वीरू की जोड़ी है, बहुत ही टैलेंटेड है, उन्होंने हम लोगों से एकदम अच्छे से काम करवा के लिया है। और एक्सपीरियंस तो मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, मैंने बहुत सारा गुजराती खाना खाया है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे यहाँ पे। मूवी को लेके मैंने जैसे कहा कि पूरा काफ़ी सारा यूनिट जो हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे वो गुजराती था तो मुझे गुजराती आती है बोलने और समझती भी थोड़ा बहुत, तो इतना मुझे कोई डिफ़िकल्टी हुआ नहीं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। और बहुत ही स्वीट लोग हैं और तभी हम लोग ने जब शूट किया तभी कोविड का थोड़ा ज़्यादा चल रहा था तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर है केतन सर और उनकी जो वाइफ है तो मैं उनके घर में रुकी थी। तो अभी मतलब बहुत ही जैसे जगदीश ने भी आपको बोला कि बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, उन्होंने उनके बेटे की रूम मुझे दे दी थी, वो बेचारा दूसरे रूम में रहता था और एकदम फैमिली जैसे हमको ट्रीट करते थे। अगर मेरा एक्सीडेंट भी हो गया तो मेरे को बेड में खाना आता था। तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कश्मीरा भाभी और केतन सर को भी कि उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा। कैसे इस मूवी में जो पल निकले हैं उससे आप ज़्यादा खुश हुए हो, ऐसा कोई पल दिखाइए याद ज़्यादा खुश हुई हूँ। एक्चुअली इस फिल्म में मेरे जो पिताजी का रोल कर रहे हैं विनायक केतकर सर, तो वो मेरे पिताजी का रोल कर रहे हैं और काफ़ी टाइम जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो अगर मेरा डायलॉग मेरा सीन नहीं है तो मैं मेरा डायलॉग नहीं बोलूँगी, आर्टिस्ट लोग जाके बैठ जाते हैं। तो मेरा बाप बेटी का जो हमारा रिश्ता है वो इतना एक्चुअल में हम लोग रियल लाइफ में भी वो मेरे पिताजी जितने करीब है, मेरे को गाइड करते हैं। इनफैक्ट मैं बीच बीच में उनको बोलती थी कि सर वो गुजराती थिएटर आर्टिस्ट भी हैं तो मैं उनको बोलती थी कि सर मुझे थोड़ा गुजराती सिखा दो या फिर वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो वो सब जो मोमेंट्स है कि हम लोग अगर रोए भी है फिल्म में तो असली में रोए हैं, ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया है किसी ने भी, तो वो सब बहुत हैप्पी मोमेंट्स है। मतलब सर ये जो कंटेंट है और यहाँ पे कंटेंट ही हीरो है तो आप हिंदी देखो, मराठी देखो, गुजराती देखो, स्टोरी अच्छी नहीं है तो कोई ऑडियंस नहीं जाएगी। क्या लगता है सूरत की जनता सूरत में? सर जितना मैंने सुना है बहुत महाराष्ट्रियंस रहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा कि चलो हमें भी मराठी फिल्म देखने मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सूरत के लोग हमारी फिल्म को बहुत प्यार दे और विजयी भवा जिससे फिल्म का नाम है वैसे हमारी फिल्म को भी विजयी भवा करे। जी सर आपका नाम? हाय नमस्कार, मेरा नाम है अतुल सोनार और विजय भव फिल्म का मैं निर्देशक और राइटर हूँ। सर आज विजय भव नाम रखने का कारण क्या है? विजय भव बहुत अच्छा सवाल है। विजय भव मतलब आपको सबका पता होगा कि विजय भव एक गुरु मंत्र है, पर ये गुरु मंत्र हर गुरु अपने शिष्यों को देता है, उसी तरह ये गुरु मंत्र हर जगह यूज़ होता है, स्कूलों में कई बच्चे एग्ज़ाम देने जाओ कि कोई खेल हो वहाँ पे विजय होता है, इसलिए हर गुरु अपने शिष्यों को ये आशीर्वाद देता है, गुरु मंत्र देता है। सर आपने मूवी राइटिंग की है पूरी yes. उसके अंदर क्या है जो सूरत की जनता महाराष्ट्र जनता जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए आया जाता है? पहले तो ये कहूँगा कि ये फिल्म एक मैसेज है सबके लिए, हर धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि ये फिल्म में मैंने ये दिखाया है कि एक बाप और बेटी का रिश्ता क्या है। एक बाप
जो अपनी बेटी को बचपन से लेके जब बड़ी हो जाती है तब उसको किस तरह से बड़ा करता है, और आखिरी में जब उसकी शादी होने वाली होती है और उसके पास फैसला होता है कि उसको जो लव मैरिज करती है तो लव मैरिज में उसको एक फैसला लेना होता है कि वो बाप का साथ दे या अपने लवर का, तो ये फिल्म में दिखाया गया एक मैसेज वो, लेकिन ये मैसेज मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या है, क्योंकि इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सूरत की जनता को क्या, सूरत की जनता को मेरे को एक ही जवाब देना है कि मैं एक मराठी हूँ और सूरत में जितने भी मराठी रहते हैं तो कृपया ये फिल्म को ज़रूर देखें। और ये फिल्म जो कपल लोग अपने कपल खुद देखने जाते हैं, लेकिन ये कपल अभी अपने माँ बाप को लेकर जाकर ये मूवी देख सकते हैं।